जोहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 28 अक्टूबर को एके मिश्रा फाउंडेशन ने जानकारी दी है कि एके मिश्रा फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भुरकुंडा के जुबली कॉलेज में रविवार से शुरू किया गया है। प्रशिक्षण में महिलाओं को आर्ट एंड क्राफ्ट से बनने वाले वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि झार क्राफ्ट के MD मंजुनाथ भजंत्री, विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सरिता पांडे एवं चाणक्य IAS मिश्रा फाउंडेशन के संस्थापक AK मिश्रा ने फीता काट कर की। निर्देश में जो हमारे डायरेक्टरेट हैंडलूम के, सीरी कल्चर और हैंडीक्राफ्ट के और झारक्राफ्ट माटी कला बोर्ड, खादी बोर्ड है, बहुत सारे जो प्रशिक्षण का कार्य जो होता है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भी लाए। जैसे कि अभी स्कूल यूनिफॉर्म बनाना हो गया, साथ ही साथ जूट बैग बनाना हुआ, मिट्टी का कला हो गया, और वो सब का प्रशिक्षण हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ एक शुरुआत है, इसमें जो भी प्राइवेट लोग भी हैं वो लोग भी जुड़ रहे हैं। और ये एक यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण करके उन्हें रोज़गार से जुड़। आपने, क्योंकि मैं मूलतः हजारीबाग का रामगढ़ के ही रहने वाला हूँ, इसलिए AK मिश्रा फाउंडेशन को लेकर के हमने जगह जगह पे ट्रेनिंग चला रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। उसमें आज हमने जुबली कॉलेज यहाँ भुरकुंडा में ये कार्यक्रम शुरू किया है ताकि यहाँ महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए। और हम धन्यवाद देते हैं झारक्राफ्ट के MD मंजुनाथ जी का कि हमें आके इंकरेज कर रहे हैं। और हम सब मिलजुल करके, सरिता जी ने अपनी महिलाओं को अपने एकत्रित किया है और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग हो और साथ साथ ऐसे प्रोडक्शन करें जिसका कारण झारखंड में और देश विदेश में भी चीज़ का हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर से बढ़ करके लोगों का रोजगार की समस्या यहाँ दो। इसी भावना से आज ये फाउंडेशन का ये ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। कितने उम्र के शुरुआत में आपने ये पहला योगदान इसमें डाला था? क्या मतलब उम्र से, क्या मतलब आपका? जी, एज ग्रुप में इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जो लोग जो है अपने प्रशिक्षण लेने के तैयार हैं, कोई भी महिलाएं इसमें आ सकती हैं, जो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है वो भाग लेंगी। अभी 1000 के आसपास लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम इनको अलग अलग बैचेज में इनकी ट्रेनिंग देंगे।